हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इंडिया को मिला है 207 का स्कोर, 20 ओवर मैक्सिमम। इंडिया बनाम श्रीलंका सेकेंड टी का मुकाबला, आज इंडिया ने टॉस जीता हुआ पहले फील्डिंग का फैसला किया। तो बात करें इंडिया की बैटिंग का, ईशान किशन सुमी लाए बैट्समैन बैटिंग को। ईशान किशन मात्र आज दो रन बना के आउट हुए, रजता गेंद पर बोल्ड हुए, 5 गेंद में 2 रन बनाए थे, 40 की स्ट्राइक। उसके बाद आए शुभम गिल, 5 रन बना के आउट हुए, 3 बॉल में 5 रन बनाए, 1 लगाए चौका। और रजता गेंद पे तीसरा ने आसान कैच लपका, शुभम गिल को 5 रन पे आउट किया, 3 गेंद सामने गया था, 1 चौका लगाया था, 166.66 स्ट्राइक रेट। राहुल त्रिपाठी आए 5 पे आउट हुए, 5 गेंद में बच्चों गई गेंद पे मैंने से कैच लपका, वो राहुल त्रिपाठी को 5 रन पे आउट किया, 5 गेंद में 1 चौका लगाया था। उसके बाद आए दोस्तों सूर्य कुमार यादव, विक्रीज मौजूद है, 15 गेंद में 13 रन बनाए हैं, 1 चौका लगाया है, विक्रीज मौजूद है, इनको फारिश सम्मान लिए पूरी। दोस्तों, 3 बड़े विकेट खो चुकी है भारतीय टीम। हार्दिक पांड्या का बड़ा विकेट गिरा है 12 रन में, 2 गेंद पर मैंने कैच लपका, और 12 पे 12 एक चौका एक चक्कर लगाया था, 100 की स्ट्राइक रेट। 12 गेंद 12 रन बनाए थे हार्दिक पांड्या कैप्टन, 12 बना के क्रीज से बाहर हुए। अभी दीपक हुड्डा सूर्य कुमार यादव के साथ में खेल रहे हैं, किसी ने दोनों की पार्टनरशिप 8 रन बनाए हैं। दीपक हुड्डा ने अभी 10 गेंद में दोस्तों इससे आज 10 रन मिले हैं एक्स्ट्रा इंडिया टीम को। टोटल 55/4 विकेट हो चुके, 9 ओवर हो समाप्त। ईशान किशन आज 5 2 रन पे आउट हुए, शुभम गिल 5 रन बना के आउट हुए, राहुल त्रिपाठी 5 रन बना के आउट हुए, सूर्य कुमार यादव भी क्रीज मौजूद 13 रन बना के खेले क्रीज पे, 15 गेंद में 1 चौका जल लग चुके इस मैच का। हार्दिक पांड्या कैप्टन अभी आउट हुए 12 रन बना के। दोस्तों, दीपक हुड्डा क्रीज मौजूद हैं 8 रन बना के 20-10 गेंद में। इस तरह से दोस्तों आज का मैच भारतीय टीम का बहुत ही खराब प्रदर्शन, 4 विकेट गिर चुके, बड़े बड़े विकेट मात्र 4 ओवर में, और लास्ट के 4 ओवर से मार रहे हैं दीपक हुड्डा और सूर्य कुमार यादव। इंडिया को जीत के लिए करीब 150 रन की जरूरत है अभी इस मैच में। दोस्तों, 9 ओवर हो चुके समाप्त, 11 ओवर में 150 रन चाहिए, बहुत ही कड़ा मुकाबला है यह, सेकंड T20 का मुकाबला इंडिया वर्सेस श्रीलंका का, सेकंड T20 का मुकाबला आज पुणे में खेला जा रहा है। 207 का मिला है स्कोर, श्रीलंका ने 206 रन बनाए थे 6 विकेट नुकसान 20 ओवर में, इस बहुत ही शानदार पारी खेली श्रीलंका फर्स्ट इनिंग में। तो बात करें बॉलिंग की, किस तरह बॉलिंग रही आज श्रीलंका टीम की, स्पष्ट तौर पर बॉलिंग दिशान कसून समिका मनिंदू महेश ने आज बॉलिंग की बहुत शानदार बतरी बॉलिंग की है, बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म किया है इस मैच में। दोस्तों, पहला विकेट था 12 पे ईशान किशन का, दूसरे पहले गेंद पे, उसके बाद 21वां विकेट गया था शुभम गिल का दूसरे ओवर 63 गेंद पे, और 21वां विकेट राहुल त्रिपाठी का तीसरे ओवर पहली गेंद पे, उसके बाद 4th विकेट था हार्दिक पांड्या का 34 पे, 5 गेंद पे, 5 ओवर 4 विकेट गिर चुके, बड़े विकेट गिराए थे आज श्रीलंका बॉलर्स ने। दिलशान का 2 ओवर में 18 रन दिए, 1 विकेट लिया, बहुत ही अच्छा, और सभी थे नौ की इकोनॉमी वाइट गेंद डाली। कसुन रजिता 3 ओवर में 10 रन दिए, 2 विकेट लिए, बहुत ही अच्छा, और 18 गेंद 10 रन 2 विकेट, बहुत ही अच्छा, बहुत महंगा, और सभी थोड़ा भारतीय टीम के लिए। शमिका कंटे ने 2 ओवर में 14 रन दिए थे, 1 विकेट लिया। उसके बाद बात करेंगे मनिंदू श्रीलंका की, तो 1 ओवर में 8 रन दिए, कल उल्टा पड़ा मैच का, और चल रहा है अभी 2 गेंद डाली है 1 रन दिया। दोस्तों, बैटिंग अक्षर पटेल, उमरा मलिक, शिवम मवी, सोहल, अस्तित सिंह बॉलर्स बाकी है बैटिंग करने को, 2 विकेट लास्ट बचे हैं सूर्य कुमार, दीपक हुड्डा। दोस्तों, आज सब सही बॉलर 4 विकेट गिर चुके हैं भारतीय टीम के। इस तरह दोस्तों भारतीय टीम पर दबाव आ चुकी है, सूर्य कुमार यादव अभी क्रीज मौजूद है दीपक हुड्डा के साथ में। दोस्तों, देखते हैं क्या होता है, स्कोर बोर्ड किस तरह से इस मैच का होता है। तो दोस्तों, इस तरह से आज इंडिया टीम पर दबाव आ चुकी है, 207 का रन मिला है स्कोर, 206 बने थे श्रीलंका टीम ने। इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकंड टी20 मुकाबला है, 1-0 से उतरी इंडिया टीम आज, हर समय करना पड़ सकता है 150 रन की जरूरत है 20-70 गेंद में। दोस्तों आज दिलशान कसुन और शमिका वनिंदू हसन महेश के बॉलिंग बहुत ही शांत तरीके से डाली है इस मैच में। दोस्तों, बात करेंगे श्रीलंका की इनिंग की, फर्स्ट इनिंग में इसकी श्रीलंका ने परफॉर्म किया है, दोस्तों चर्चा करते हैं श्रीलंका की टीम की बैटिंग के बारे में। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं श्रीलंका की टीम की बैटिंग के बारे में। तो इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या की कप्तानी पारी, आज इंडिया ने टॉस जीता और पहले डिसाइड किया फील्डिंग का, और बॉलिंग ली है आज इंडिया टीम ने, बॉलिंग कर रहे हैं पहले और तो बैटिंग कर रही है आज श्रीलंका की टीम। सेकंड T20 का मुकाबला आज पुणे में खेला जा रहा है, जो कि सेकंड मुकाबला है, पहला मुकाबला जीता था इंडिया ने 2 रन से, बहुत ही शानदार जीत हासिल की इंडिया ने फर्स्ट ईयर में। दोस्तों, इस न्यू ईयर में पहला मैच इंडिया ने जीता है, तो हम बात करेंगे आज श्रीलंका T20 का, सेकंड T20 मैच है, 20 ओवर का मैच है मैक्सिमम। दोस्तों, बैटिंग को आए प्रथम निशंका और कुशाल मेंडिस, बहुत ही शानदार पारी खेली आज 52 रन की कुशाल मेंडिस ने, 31 गेंद में 3 चौके और 4 छक्के जड़े इस मैच के, 4 छक्के अकेले कुशाल मेंडिस के, बहुत ही शानदार फॉर्म में थे
लेकिन छल गेंद पे एलबीडी हुए कुशाल मेंडीज, खराब गेंद छल की और 52 रन पे आउट हुए कुशाल मेंडीज। 31 गेंद का सामना किया, 3 चौके 4 छक्के लगाए थे। तो बात करेंगे प्रथम दर्शन का, अभी क्रीज मौजूद है, 30 रन बना चुके हैं, अभी 30 गेंद में 4 चौके लगा चुके हैं इस मैच के। सो की रही स्ट्राइक रेट प्रथम निशंका की, बहुत ही अच्छी पारी खेले, आज 30 रन बना चुके हैं, अभी 30 गेंद में 4 चौके जड़ चुके हैं इस मैच के। वो 3 चौके लगाए थे कुशाल मेंडीज ने और 4 छक्के लगाए थे कुशाल मेंडीज ने इस मैच में। 52 रन बनाए और आउट हुए। बात करेंगे नेक्स्ट प्लेयर भानुका राजपक्षा आए और 2 रन पे आउट हुए, उमरा मलिक गेंद में बोल्ड हुए डायरेक्ट 3 गेंद में। दोस्तों आज भानुका राजपक्षा कुछ खास कर नहीं पाए, 2 रन पे चलते बने इस मैच से, इससे बाहर 3 गेंद में। 66.66 की स्ट्राइक रेट, 46 अश्लंका और प्रथम अश्लंका के साथ अभी बैटिंग करे, क्रीज मौजूद है, 2 रन नॉट आउट है दोनों नाबाद खिलाड़ी। 2 रन पे खेले हैं अभी अश्लंका और 30 पे खेले हैं निशंका, 2 गेंद खेल चुके हैं अश्लंका, 2 रन बना चुके हैं, एक्स्ट्रा रन मिले हैं 5 अभी तक, भारतीय टीम द्वारा 5 रन एक्स्ट्रा दिए हैं श्रीलंका टीम को, और श्रीलंका टीम को दोस्तों 5 रन मिले हैं एक्स्ट्रा इस मैच में, 9 बॉल के 4 और 1 वाइड गेंद। प्रथम निशंका 30 रन बनाए, अभी क्रीज मौजूद हैं, खेल रहे हैं, अभी लड़ रहे हैं। उषर मेंडी 52 रन पे आउट हो चुके हैं, भानुका राजपक्षा 2 पे अपना विकेट गवा चुके हैं। दोस्तों अभी नाबाद है प्रथम निशंका और श्रीलंका, दोनों बल्लेबाज नाबाद है और दोनों बल्लेबाज अभी क्रीज मौजूद है, बहुत ही अच्छी पारी खेले है, 1 राउंड पे 2 विकेट गिर चुके हैं अभी श्रीलंका टीम के, और 11 ओवर चल रहा है अभी। रन रेट की बात करेंगे, 8 की चली रन रेट, ऐसे मैच चला तो 180 के लमसम जाएगा स्कोर आज श्रीलंका टीम का, अभी 2 विकेट गिरे, विकेट भी बहुत सारे बच्चे हैं उस टीम को, बहुत अच्छी तरह से बैटिंग कर रहे हैं। दोस्तों इंडिया के बॉलर्स आज कुछ खास करना होगा, बाकी अभी स्कोर 180 तक जा सकता है, स्कोर होने के लिए विकेट लेना जरूरी है। और दोस्तों आज इंडिया के बॉलर्स कुछ खास कर नहीं पा रहे, स्टार्टिंग देख सकते हैं आप, 2 विकेट लिए हैं, 10 ओवर हो चुके, 91 का स्कोर हो चुका है श्रीलंका टीम का। ये सेकंड मुकाबला श्रीलंका बनाम इंडिया का है जो कि पुणे में। दोस्तों बात करें बॉलर की, उमरा मलिक ने पिछले आपने देखा होगा 4 विकेट चटकाए थे, बड़े बड़े विकेट लिए थे उमरा मलिक ने, और अभी भी इस मैच में पहला विकेट लिया है राजपक्षा का और पहला विकेट लिया है मेंडीज ने, मेंडीज का चहल ने बैट बॉल किया इस मैच में। 2 खिलाड़ी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा इस मैच में, 30 रन पे आउट प्रथम निशंका क्रीज मौजूद, 52 रन पे कुशा मेंडीज आउट और भानुका राजपक्षा 2 रन पे आउट हुए, नॉट आउट है चरित श्रीलंका और निशंका दोनों बल्लेबाज। श्रीलंका के T20 का मुकाबला, सेकेंड मुकाबला ये आज का, बहुत ही शानदार मुकाबला हुआ है और 4 छक्के लगे हैं आज इस मैच के। कुशा मेंडीज ने 4 छक्कों से खाता खोला इस मैच का, बहुत ही शानदार बॉलिंग करी है, तारीफ करने लायक है कुशा मेंडीज की, 52 रन बनाए हैं 31 गेंद में, बहुत ही शानदार बॉलिंग बैटिंग की है आज इस मैच में। सेकंड T20 का मुकाबला आज का है श्रीलंका बनाम भारत का। दोस्तों भारत ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया और श्रीलंका को करनी पड़ी है बैटिंग, फर्स्ट बैटिंग में 91 पे 2 विकेट, 10 ओवर हो चुके समाप्त, चलिए रन रेट करंट 8 की। दोस्तों बात करेंगे बॉलर्स की, बॉलिंग किस तरह से रही है भारतीय टीम की, भारतीय टीम के बॉलर्स का रिकॉर्ड किस तरह से रहा है हम बात करेंगे, स्कोर बोर्ड के साथ जानेंगे कि भारतीय बल्लेबाजों की और बॉलर्स का परफॉर्म किस तरह से रहेगा आज इस मैच में, आज मैच किस के पक्ष में जाएगा बात करेंगे बैटिंग की। तो दोस्तों तन्नाजा द सिल्वा दशुन शंका कैप्टन है श्रीलंका टीम के, वनिंदु हसंगा द सिल्वा, चमिंगा फ्रांटे, महेश थिक्सेना, कसुन रजिथा, दिलशान मसुनका, ये बॉलर्स ऑलराउंडर बहुत अच्छी बॉलर्स, बहुत शानदार बल्लेबाज दशुन शंका कैप्टन है। दोस्तों विकेट की बात करेंगे, विकेट किस तरह गिरे थे, पहला विकेट था 80 रन पे कुशा मेंडीज का जो भी 6 रन लिया था 90 ओवर की दूसरी गेंद पे गिराया था, एलबीडब्ल्यू क्या था इसको रोका, 52 रन पे आउट किया कुशाल मेंडीज को, बहुत शानदार बॉलिंग आज इस मैच में बैटिंग की थी आज कुशाल मेंडीज ने, इसी पे पहला विकेट गिरा था। उसके बाद बात करेंगे दूसरा विकेट गिरा था भानुका राजपक्षा का 10 ओवर की पहली गेंद पे 83 पे गिरा, दूसरा विकेट लगातार 2 विकेट गिराए थे उमरा मलिक को, चहल ने खाता खोल चुका है अभी लगातार विकेट के बाद विकेट चलता जा रहा है, भारतीय बॉलर सब जम चुके हैं इस मैच में। तो बात करेंगे बॉलर बॉलिंग की, हार्दिक पांड्या, हर्षदीप सिंह, शिवम मवी, अक्षर पटेल, जन चहल, उमरा मलिक आज बॉलिंग की है, दोनों ने सभी खिलाड़ियों ने 6 खिलाड़ी बॉलर्स की है, 2 ओवर हो चुके हैं, 2 हर्षदीप सिंह का, शिवम मवी का 1 ओवर हुआ है अभी। तो शुरू करते हैं हार्दिक पांड्या कैप्टन से, 2 ओवर में 13 रन दिए थे, कोई मेडल कोई खाली विकेट लौटना पड़ा, इकोनॉमी रही 6.50 की, 5 गेंद नहीं डाली। उसके बाद बात करें हर्षदीप सिंह की, 3 9 गेंद डाली थी उन्होंने, 19 की इकोनॉमी, 19 रन दिए 1 ओवर में, बहुत ही महंगा ओवर साबित हुआ हर्षदीप सिंह का स्पिनर से,
दोस्तों बात करें शिवम महवी की, तो शिवम महवी ने आज एक ओवर में 25-15 रन दिए, बहुत ही महंगा ओवर साबित हुआ। 15 के लिए इकोनॉमी, एक नौ गेंद डाली, नौ गेंद फायदा उठा, चक्का लगाया 15, लेकिन इकोनॉमी 15 रन दिए एक ओवर में। अक्षर पटेल की बात करते हैं दोस्तों, अक्षर पटेल 2 ओवर में 14 रन दिए, खले लुटना पड़ा साथ के लिए इकोनॉमी। दोस्तों बात करें चहल की, दो तीसरा ओवर चल